दोस्तों AS Vlogs के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सरोज शशांक। तो दोस्तों एक बार फिर से परफेक्ट व्हील्स में आ गए हैं। यहां का बहुत ही अच्छा-अच्छा कलेक्शन दिखाएंगे आज आपको। बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा, इन सेगमेंट की भी गाड़ी देखने को मिलेगी, छोटी गाड़ियां भी दिलाएंगे। तो आज जो भी भाई जिस बजट का अपनी गाड़ी ढूंढ रहा है वो निराश होकर नहीं जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाल कलर का बटन दबाकर। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको फौरी तौर पर मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे जो भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, वहां पर भी सपोर्ट करिए। वहां पर आपको जहां भी हम कार बाजार एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वहां की छोटी छोटी क्लिप्स भी मिलती रहती है, तो आपको भी पता चलता रहेगा कि हम कहां पर शूट कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले वो नाम ले लेते हैं जिनके कमेंट बहुत ही अच्छे अच्छे रहे वो डिस्प्ले पे, ये रहे। एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार भाई। हमारे साथ परफेक्ट कार सेल के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं। सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं, फोन आ गया है, इसको साइलेंट कर लेते हैं। भैया फिलहाल आज हम फिर से, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम थोड़ा एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां इस बार आपको देंगे हम। देंगे परफेक्ट व्हील्स में आपको बड़ी गाड़ियां कम मिलती हैं, लोगों की शिकायत आ रही थी काफी, तो इस बार आपके लिए बड़ी ही गाड़ियां हैं ज्यादातर। चलिए ठीक है, ऐसी शिकायत करती रहिए, डिमांड करते रहिए और भैया ढूंढ के लेके आते रहेंगे अच्छी गाड़ी। पहली गाड़ी फिलहाल हम छोटी गाड़ी शुरू करें आज, नहीं बड़ी से करते बड़ी हैं, करें? बड़ी से करेंगे। चलिए बड़ी से करेंगे, अगर वीडियो में बोला है बड़ी तो बड़ी से करेंगे। सबसे पहले आपको दे रहे हैं सबसे फेवरेट गाड़ी बड़ी गाड़ी में स्कॉर्पियो S6 प्लस, ठीक है, 2015 मॉडल। अब ये दबंगो वाली भी कह सकते हैं, सिंघम वाली भी कह सकते हैं, कालीन भैया वाली भी कह सकते हैं, कालीन भैया वाली कहा जा सकता है। ब्लैक कलर है तो कालीन भैया जचेगी, बहुत बढ़िया गाड़ी है और कलर तो हम मतलब राजा वाला ही है। अब ये वेरिएंट कौन सा है? ये S6 प्लस है हमारी, S6 प्लस है, ठीक है, 2015 मॉडल है, 2015 मॉडल है और ये सेकंड ओनर पे गाड़ी है हमारी, सेकंड ओनर और 66,000 चली गई। टेस्ट कैसा है? टेस्ट सेकंड तो नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छी गाड़ी, चलने में आपको नई गाड़ी का फील देगी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया देगी, बिल्कुल बढ़िया देगी गाड़ी आपको। बाकी फोटो में दिखी रही है, बाकी आप कस्टमर खुद आके देख भी सकते हैं गाड़ी कैसी है, कैसी है, कितना चली बताया आपने? ये 66,000 चली हुई है, 66,000 ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, चेक करा सकते हैं हम भी, हमारे भाई भी, आप भी कोई भी आए वो चेक कराएं। जी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसलिए पूछ लेते हैं कि हम भी हमारे भाई भी, ऐसा कई लोग को ना लगे कि हमारे लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज है, हमको जैसे ट्रीट करेंगे वैसे ही कस्टमर को ट्रीट करेंगे, बिल्कुल कस्टमर के लिए सेम टू सेम वही है, ठीक है, व्यवहार सौतेला नहीं होना चाहिए, क्यों भैया? जी बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अब 2015 है, सेकंड ओनर है, चलिए बताया कितना? 66,000 S6 प्लस है, एयरबैग एयरबैग कुछ होगा इसमें? इसमें आपके एयरबैग आते हैं, दो एयरबैग मिलेंगे आपको, ठीक है जी। बाकी बढ़िया कंडीशन में पीसेस भैया पूछे, पेंट कितने पीस हुए होंगे इसमें? इसमें भैया मेरे अंदाजे से शायद, हमने तो कुछ नहीं कराया, बस जिस पार्टी के पास गाड़ी थी उन्होंने शायद 2-3 पैनल इसपे कराए थे, ठीक है। बाकी एक्सीडेंटल तो भैया खुद ही चेक कर लेते हैं, एक्सीडेंटल बिल्कुल चेक करके कस्टमर आए वो दिखा ले, बाकी हम लोग चेक करके रखते हैं अपने पास, ठीक है। क्या डिमांड करेंगे भैया इसकी? डिमांड हम कर रहे हैं 7.5 लाख रुपए, 7.5 जी। इसमें भी कुछ है थोड़ा बहुत की गुंजाइश है इसमें, ठीक है, राजा वाली गाड़ी है, ज्यादा की गुंजाइश ना कराएं नहीं है जी। अब जितना गांव में ये पसंद की जाती है, जितना ये लोगों के दिलों पे राज करती है, उतना ही हम बगल में आएंगे। दोनों फिलहाल हैं लेकिन हम पहले बोलेरो पे आएंगे जी, बिल्कुल। अब आप सही गाड़ी पे आए हैं, जो गांव वाले जो हमारे आउटर के भाई देख रहे हैं उनके लिए बोलेरो गाड़ी आ गई है, 2013 मॉडल की SLX सेकंड टॉप मॉडल है ये, ठीक है, ZLX से नीचे वाला, ZLX के नीचे वाला, ठीक है। आपको पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, ठीक है, सारी चीजें मिलती है, नंबर पे है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है, यही गांव में चाहिए होता है, पावर स्टीयरिंग हो और पावर विंडो, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उनको, एयरबैग भी नहीं चाहिए, शीशा खोलना है बस, बाकी 3500 डीजल ये चलता है गांव में, 3500 रुपए लगाइए डीजल पे और बंधाइए और लेके जाइए दूल्हे के परिवार को या गांव के लोगों को, बहुत बढ़िया गाड़ी है। 2013 बताया जी, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है, चली कितना बताया? ये चली भी आपकी 78,000 जी। अब ये हम ये पूछ रहे हैं कि ये कॉमर्शियल पर्पज से तो यूज नहीं, ये पर्सनल गाड़ी है, ठीक है, नंबर की। अब देखिए लखनऊ नंबर में यही फायदा होता है, गाँव वाले भी समझते हैं लखनऊ नंबर कॉमर्शियल यूज नहीं होती, ये अपने किसी आस पास परिवार में गाड़ी है, ये प्राइवेट चली हुई गाड़ी है पूरी पूरी तरह से, ठीक है। बाकी इसके भी हम पूछेंगे कंडीशन, मतलब लड़ी भड़ी कुछ तो नहीं? नहीं भाई लड़ी भड़ी नहीं, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, टायर आपके बिल्कुल नए पड़े हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल लगभग ओरिजिनल पेंट पे ही है ये, ठीक है जी। बाकी बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है, अभी फिलहाल कंपनी से कोई लेने जाए तो लगभग अब शेप थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन डेट में इस गाड़ी की कॉस्टिंग जो आ रही है अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास है। ओके जी, अपने यहाँ कितने पड़ जाएगी ये? 4.75 की मिल जाएगी, 4.75 जी, ठीक है। अब इसमें भी हम पूछ लें? आप पूछ लीजिए, कहेंगे कुछ देखने के लिए बिल्कुल देख लेंगे, देख लेंगे, चलिए ठीक है। अब बगल में जो गाड़ी खड़ी है इस पे तो 1 लाख जैसे
मतलब जचता है कि एक लाख अगर चल गई तो इनोवा जैसी गाड़ी पे तो कोई वही एक लाख भी नहीं चली है। नहीं चली है नहीं तो बहुत ही बढ़िया सोनेप सुहागा ये 90,000 चली हुई है। 90,000 चली है 2011 मॉडल। 11 मॉडल जी। ओनरशिप फर्स्ट है। ये G4 मॉडल है आपके, रूफ एसी के साथ आपको मिलेगा ये। ठीक है 2.5 2500 सीसी का डीजल इंजन। डीजल इंजन ये भैया क्या माइलेज देता होगा? ये भैया आपको सिटी में तो करीब 10 से 12 देगी, हाईवे पे आपको 15 का मिल जाएगा। 15 जी। बाकी भाई आपके चलाने के ऊपर है, कैसे आप चला रहे हैं, किस तरह एक्सेलरेशन ले रहे हैं, बढ़िया गाड़ी। इसमें भी भैया पेंट वेंट क्या है, कितने पेस हुए हैं इसमें? ये थोड़ा बहुत इसमें पेंट हो चुका है, साइड से टचअप हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज पूछना चाहेंगे, कई लोग पूछते हैं 7 सीटर है या 8 सीटर है? ये 7 सीटर है। ठीक है, तो 7 सीटर है तो बहुत बढ़िया है, फिटनेस विटनेस नहीं कराना पड़ेगा। 8 सीटर में आपको फिटनेस कराना पड़ता है, वो अलग खर्चा आ जाता है। और अच्छी चीज है कि कैप्टन सीट पीछे भी है ना भैया? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी कैप्टन सीट की थोड़ी सी और मतलब एक देखने में थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता है। और इसमें सीट कवर और भैया ये पड़वा रखे अपने यहाँ से कि कंपनी से? नहीं, ये कंपनी से आया, हमारे पास जिनसे कस्टमर की गाड़ी आई थी उनके पड़े हुए हैं, पहले से ही हमने नीड करवाए हैं। मेंटेन गाड़ी है, बिल्कुल मेंटेन अप टू डेट। 90,000 चली, मतलब आप इनोवा खुद ही जान रहे हैं। ठीक है, और कस्टमर भी जानता है हमारा, समझदार है, 90,000 मतलब कुछ नहीं, इनोवा जैसे रिफाइंड हो जाती है 1 लाख के आसपास। ये 1 लाख के बाद नहीं, 2-2.5 लाख के बाद रिफाइंड होती है। ओके, चलती है बढ़िया, लाखों लाख चाहे जहाँ ले जाइए। इनको तो पहाड़ों पे ट्रेवलर एजेंसी यही हमें जब जितने बार गए तो यही दिखती है। जी बिल्कुल। क्या डिमांड करेंगे और कौन सा मॉडल है लास्ट में एक बार फाइनल बता दें? G4 मॉडल है, इसकी डिमांड हम 5.5 लाख रुपए कर रहे हैं। 5.5 जी। ओके, तो अब समझ लीजिए 5-5.5 लाएंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूज कर देंगे भैया कि कौन सी गाड़ी ले जाओ, इतने सारे ऑप्शन दे देंगे कि जो भी बस ये यहां से कोई खाली हाथ लौटेगा नहीं। हम लौटने नहीं देते भैया, इतने ऑप्शन दे देंगे, लौटने नहीं देते हम। चलिए ठीक है, आप अपने पास भैया बड़ी से अब आ जाते हैं छोटे पे, छोटी गाड़ी पे। अब आपको 3 बड़ी गाड़ियां दिखा दी, आप एक छोटी गाड़ी भी दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, जो शहर की गाड़ी है और राजा गाड़ी है, ऑल्टो है ये। ठीक है, हमारी 2014 मॉडल की 2014 है, ऑल्टो है। ओके, लखनऊ नंबर पे गाड़ी है ये, और आपकी ये LXi मॉडल है। LXi मॉडल, इसमें टॉप एंड VXi होता है? टॉप एंड VXi आता है। ठीक है, बाकी पावर विंडो विंडो इसमें सब नहीं, इसमें पावर विंडो आपको नहीं मिलता, VXi में आपको पावर विंडो मिलता है। 2014 मॉडल। चलिए कितना बताया भैया आपने? ये आपकी 45,000 ऑन रिकॉर्ड चली है। ऑन रिकॉर्ड है जी, ऑन रिकॉर्ड तो मतलब ऑन रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। जी बिल्कुल चेक करा सकते हैं। ठीक है, टायर की कंडीशन क्या अभी है? टायर भैया बिल्कुल अच्छे हैं, टायर है। ठीक है जी, पेट्रोल ही है? ओनली पेट्रोल। ठीक है, CNG LPG नहीं है, कुछ नहीं लगा है इसमें। बाकी भैया इस पे पेट्रोल पे कितना माइलेज आ जाता होगा? ये आपको शहर में भैया 15 से 18 के बीच में दे देती है। ये 800 सीसी का इंजन रहता है, 800 सीसी का इंजन है इसमें। बाकी इसमें भैया पेंट कितने पीस हुए, कुछ हुआ है पेंट इसमें? भैया हमने खुद से कुछ नहीं कराया, और गाड़ी लगभग ये पूरी ओरिजिनल पे है अभी। ठीक है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। क्या डिमांड करेंगे भैया? इसकी डिमांड कर रहे हैं 2,15,000। 2,15,000 जी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ घसीटेंगे हम? सीट देख लेंगे, कम रेंज कुछ नीचे लाएंगे, देख लेंगे, थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा। चलिए कुछ नीचे लाएंगे। अब अपने पास भी है, नेक्स्ट गाड़ी खड़ी हुई है ग्रैंड आई10। आस्टा मॉडल है हमारे पास, आस्टा टॉप एंड वेरिएंट है, पुश स्टार्ट पे है ये गाड़ी। ठीक है, डीजल है? डीजल है। इसका माइलेज क्या होगा? ये माइलेज आपको 20 का देगी। 1.2 है ये, 1200 सीसी का इंजन है। ठीक है, आस्टा है, टॉप एंड वेरिएंट है, 2014 है, ग्रैंड आई10 है, सेकंड ओनर है। ठीक है, सेकंड ओनर। चलिए कितना बताया भैया आपने? ये भैया चली हुई है 66,000। चेक करा सकते हैं? बिल्कुल चेक करा सकते हैं। कितने पीस इसमें पेंट हुए होंगे? इसमें पीस भैया 3 पैनल पीस हुए हैं इसमें पेंट। ठीक है, एक्सीडेंटल तो भैया कोई नहीं रहती? हम अभी तक मैं आपको जो भी गाड़ियां इधर दिखाई हैं, एक्सीडेंटल अगर निकाल देगा कोई तो वही वाली बात जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोली थी, डबल पैसे देंगे। ठीक है, देखिए सीना ठोक के कह रहे हैं, मतलब अच्छी चीज है। बाकी आप कोई भी डाउट है अपनी तरफ से संतुष्ट होइए, चेक करा सकते हैं गाड़ी, चेक हुआ है हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, टॉप मॉडल है भैया 2014, सेकंड ओनर ग्रैंड आई10 आस्टा। क्या डिमांड कर रहे हैं? 3,60,000 रुपए। 3,60,000 जी। अब इससे थोड़ा सा जिसको दिल थोड़ा और बड़ा करना है, थोड़ा सा और शोशाबाजी करना है या दिखाना है फैमिली के लिए, तो सेडान भी खड़ी है अपने पास, एक्सेंट है। एक्सेंट खड़ी है, 18 मॉडल है। ठीक है, ऊंचा मॉडल है। व्हाइट कलर की गाड़ी है हमारी, व्हाइट है सबसे ज्यादा पसंद डिमांडेड गाड़ी है, व्हाइट कलर की। ये रुकेगी हमको लग रहा है, निकल जाएगी भैया? हमको तो लग रहा है आपका वीडियो पड़ेगा और ये आधे घंटे में निकल जाएगी। अच्छा, हमको तो यही उम्मीद है इसकी पूरी की पूरी। 2018 है, 2018 वेरिएंट कौन सा है? वेरिएंट आपका ई प्लस है। डीजल है। ये माइलेज क्या देती होगी? ये आपको ये भी 20 का माइलेज दे देगी, आराम से दे देगी, मतलब डिजायर के टक्कर की है बिल्कुल, उससे 19 नहीं है। ठीक है जी, अब ये इसमें एयरबैग होगा? इसमें एयरबैग आपको सिंगल है,
ठीक है, ड्राइवर साइड है, बाकी को पायलट साइड नहीं है, ठीक है। कितना चली बताया आपने? ये 55,000 चली हुई। 55, इसको भी चेक करा सकते हैं? बिल्कुल चेक, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। पेंट वेंट की कंडीशन भी क्या है? पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, पूरी ओरिजिनल, पूरी ओरिजिनल रखी हुई, कहीं से भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। अब टोटल ओरिजिनल पेंट पे है, बाकी गाड़ी 55 चली हुई है, एक्सेंट है ई, ई प्लस प्लस, ई प्लस, ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? डिमांड कर रहे हैं 5.5 लाख रुपए, 5.5 जी, ठीक है। ये गाड़ी आज के डेट में ऑन रोड जो आ रही है 9 लाख रुपए की, 9 लाख जी, ओके। बाकी तो अब और आ रही है, रिप्लेस भी कर चुकी है, बढ़िया गाड़ी फिलहाल ये है और अच्छी दिखती है। ग्रैंड आइटम से जस्ट सेडान है थोड़ा सा, बाकी सब कुछ शेप लगभग बराबर है, बराबर। अब भैया हमने सारी गाड़ियां दिखा दी जी। फाइनेंस, जहां पर लोग कहते हैं कि फाइनेंस भैया करेंगे कि नहीं? फाइनेंस के लिए 2013 मॉडल की जो भी हमारी गाड़ियां पसंद करेंगे, ऑल इंडिया, मैं यूपी नहीं कह रहा हूं, ऑल इंडिया, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऑल इंडिया में उसको फाइनेंस करवा दूंगा, कर देंगे जी, बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है। अब कोई सरकारी नहीं है, हमारी तो प्राइवेट है, तो प्राइवेट है, उसके लिए भी है, पर थोड़े से क्लॉजेस है, बट उनके लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं बिल्कुल कराने के लिए, कोशिश करेंगे कि वो यूपी का ही हो, ठीक है। प्राइवेट जॉब वाले यूपी का हम लोग प्रेफर करते हैं कि हो जाए। बाकी आपका सिविल बिल अच्छा है, बढ़िया है, 700 प्लस या 750 ऊपर स्कोर है, तो अच्छी चीज है, बिल्कुल आपके ही प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ना भैया, अपनी तरफ से तो कोई नहीं कि फाइनेंस नहीं करना है इसका, नहीं भैया हमको करना नहीं है, बैंक करता है, हम कोशिश करते हैं बस कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए। बाकी आप आइए, यूपी में है, मोस्ट वेलकम है, कहीं से भी है। अगर आप यूपी से बाहर है, पैन इंडिया है, तो सरकारी एम्प्लॉय है, तो बढ़िया चीज है। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है भैया अपने पास, परेशान करने की टाइमिंग जरूर बता दीजिए, किस समय लोग कॉल करें? परेशान करने की टाइमिंग भाई सबसे जरूरी चीज है मेरे दर्शकों से, आप 11 से 8 बजे तक हमको परेशान करें, उसके बाद कोशिश करें ना परेशान करें। अच्छा, किसी को ना परेशान करना हो, यहाँ आना हो, तो उसके एड्रेस बताइए। एड्रेस के लिए आपको डालीगंज क्रॉसिंग सीतापुर रोड पे, ठीक है, टीवीएस का शोरूम पड़ता है, उसके जस्ट बगल में ही हमारा ये भी शोरूम है पूरा का पूरा, ठीक है, वहाँ पे आप आ सकते हैं और परेशान करें, इतने टाइम पे हमें मिले। फोन बस 11 से 8 के बीच में करें, ठीक है, तो इसके बीच में करें। सामने डिस्प्ले हुआ होगा एड्रेस, इस समय हम परफेक्ट व्यूज में खड़े थे भैया, ऐसे ही कलेक्शन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए भाई नमस्कार भाई। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पे क्लिक कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको फौरी तौर पे ऐसे ही मिलती रहे। तब तक के लिए एक ही नोट के साथ, कोरोना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।